तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जा जाएं। दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ में मेरी रेफरल प्लेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपको रेफरल्स पसंद आती हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं रेफरल शूटिंग वीडियोज़, पावर वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। एंड गाइज, अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयर गन, साउंड गन, एयर एक्सेसरीज, ऐसी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर सिर्फ आपने व्हाट्सअप करना है और ऐसी कोई भी चीज़ आप ऑल ओवर इंडिया बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये थी मेरी टॉमी मॉडल 35 एयर गन, और इसका मैंने स्टॉक काटा और इसका मैंने बैरल भी आगे से काट दिया। तो जब मैंने काटा था इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, पर आफ्टर यूजिंग दिस फॉर 2 मंथ्स अब मैं इसको आपको रिव्यू बताता हूँ। और मैं बताता हूँ कि आपको इसके साथ कोई भी अगर आपका एयर गन है तो क्या ऐसा आपके तो क्या आपको अपनी गन के साथ ऐसा करना चाहिए, क्या उसका स्टॉक और बैरल काटना चाहिए, और क्या इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी और क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात गाइज, अगर आपके पास एक अच्छी खासी एयरगन है ना जो अच्छे से शूट करती है, तो प्लीज़ यार मत काटो, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल एयरगन है ना, मेरे पास तो 3 एयरगन्स है, तो चलो मैंने एक काट ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपके पास सिंगल एयरगन है ना, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि गाइज चलो फ़ायदा तो बहुत है, हैंडी हो जाती है एयरगन, वेट कम हो जाता है, फोटोज़ में बहुत अच्छी लगती है, पर एक प्रॉब्लम पता क्या है यार, एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, बस ये प्रॉब्लम है। और पावर भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि बैरल छोटा हो जाना तो स्पीड कम हो जाती है पैलेट की, जैसे पावर कम होती है और एक्यूरेसी कम होती है। अगर वीडियो बनानी है, मूवीज़ बनानी है, फोटोशूट करना है, तब काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वैसे मत काटना, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, सबसे पहली चीज़ एक्यूरेसी गई, वेट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, बैलेंस गया गन का। तो गाइज एक तरह से आप अपनी गन को हैंडीकैप कर रहे हैं। तो अगर तो आपको आपका सिर्फ एक मोटिव है, गन अच्छी दिखनी चाहिए, तब ऐसा काम कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे कह रहे थे भाई इसको ना काटना, वो सही कह रहे थे। बाकी मेरे पास तो काफ़ी 3 एयर गन्स हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके पास सिर्फ एक एयर गन है तो ऐसा ट्राई मत करना। बाकी ऐसी बात नहीं है कि अनयूजेबल है, यूज़ तो अभी भी कर सकते हैं, पैलेट अभी भी चलता है और कैरी करने में काफ़ी अच्छी लगती है। पर एक प्रॉब्लम है कि एक्यूरेसी खत्म होगी और इसको लोड करने में ताकत बहुत लगती है, क्योंकि बैरल छोटा हो गया। बाकी अगर आपको इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी गन है, आप काटिए। पर जो मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे मत काटना, वो सही कह रहे थे, क्योंकि थोड़ी टाइम के लिए तो आपको सही लगेगा, पर बाद में आपको पता लगेगा यार एक्यूरेसी और पावर कम हो गई है, तब आप कहेंगे इसको रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब एक बार बैरल काट, चलो स्टॉक काट दोगे, स्टॉक को तो आप गम से चिपका सकते हो, स्टॉक काट लो, पर बैरल को आप वापस नहीं कर चिपका सकते, कुछ नहीं हो सकता। बैरल एक बार कट गया तो कट गया, ठीक है। और बाकी मेरी गन तो टॉमी थी 0.22, तो उसका बैरल मैंने काट दिया, तो चलो ना समझी हुई, मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे कहा था, पर जो हो चुका है हो चुका है। बाकी अगर आपने फोटोशूट करना है तब काट लो, बाकी अगर एक ही गन है तो मत काटना। बाकी मेरे पास तो 0.22 की टॉमी थी, उसका मैंने बैरल काट दिया। चलो कई बार गलती हो जाती है इंसान से, पर आपको मैंने सजेशन दिया है, अगर सिंगल एयरगन है मत काटना, पर अगर आपके बहुत सारी एयरगन आ रहे हैं, एक एयरगन को आपने कन्वर्ट करना है फॉर फोटोशूट्स, तो काट लो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड होप दिस वीडियो हेल्प्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, एंड कुछ भी एयरगन रिलेटेड बाय करना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।